गेमर्स, वेलकम टू द टीसीजी कार्ड सिमुलेटर। लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने एपिक कार्ड्स ओपन करे थे और आज के एपिसोड में मैंने जैसे आपको बोला था हम लोग अपने शॉप को एक्सपांड करने वाले हैं। बट वहाँ पे एक बंदा बास मार रहा है, यार मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मशीन का फायदा क्या है, मैं इसका अभी तक यूज देखा ही नहीं है। सबसे पहले इसको यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ, नहीं तो इनके वजह से कस्टमर्स नहीं आते। ठीक हो गया वो, देखो कैसे ऐसे हाथ छटपटा रहा है, घरे गई के। एनीवेज ये बॉटल वापस रख देता हूँ मैं। तो भाई सबसे पहले आते हैं अपग्रेड्स में। वैसे मैंने गेम को काफ़ी खेला है, तो मेरे पास लगभग $6,000 है अभी। सो लेट्स गो, अभी यहाँ पे आते हैं रेनो में। या रेनो बिग नाम है इस चीज़ का। तो 400 में आ जाएगा नेक्स्ट एक्सपांशन, 500 में एक और आ जाएगा, एंड के एक और आएगा। ओ माय गॉड गाइस, काफ़ी बड़ा शॉप। ओ पूरा का पूरा पीछे वाला रू अनलॉक हो गया। नाइस नाइस नाइस। तो अभी मैं सबसे पहले अभी हमको प्लान करना है चीज़ें कहीं से रखवानी है। मुझे लग रहा है कि ये जो शेल्फ है इनको पीछे की तरफ, मैं एक और ये वाला शेल्फ भी आज बाय करने वाला हूँ। एक काम करते हैं, ये पीछे की तरफ ही लगाते हैं, एंड देन उसके बाद में ये जो शेल्फ है इसको हम लोग बीच में लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये सारे के सारे पीछे शिफ्ट कर देता हूँ मैं। ओके शिफ्ट हो गया, एंड इसको थोड़ा सा बीच में लेके आते यहाँ पे, एंड ये जो है इसको इधर रहेगा ये, हाँ यहाँ पे फिट हो जाएगा। एक सेकंड, सबसे पहले बॉक्स को हटाने दो, इधर आ जा तू, इसको उठाते यहाँ पे। नाइस, तो अपना वर्क स्टेशन भी आ जाएगा यहाँ पे, रख दूँ मैं आई गेस यहीं पे ठीक रहेगा, थोड़ा सा कोने में रखवाते हाँ। एंड देन ये जो है इनको थोड़ा सा इसके और साइड में लगाते, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे सारे के सारे एग्जैक्टली इसी के पास में रहेंगे अभी। एकदम को वर्क मैनेजमेंट प्लेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा यार, यार इसके एग्जैक्टली साइड में फिट हो जाओ। ओके फिट हो गया। सो अभी देखो इधर अपना वर्क बेंच है, यहाँ पे इधर साइड के शेल्स आएंगे, एंड ये बीच में ऐसा ही रहेगा। और अभी मेरे को कुछ नए शेल्स भी ऑर्डर करने, तो अभी आते यहाँ पे आते वापस से माई डाई में, एंड लेट्स ऑर्डर सम न्यू शेल्स। मैं डबल शेल ऑर्डर करना चाहता हूँ, डबल 750 में भाई बहुत महंगा है, बट दीवार के किनारे पे, मतलब दीवार के साइड में मेरे को चाहिए, तो 300 में यार 700 पे दो आ जाएंगे, तो आई विल ऑर्डर दो बाय करता हूँ मैं। देन मेरे पास 4,000 रुपये भी पड़े। देन मुझे यहाँ पे ये वेयर हाउस शेल भी है, और ये काफ़ी बड़ा, नहीं ये वेयर हाउस के लिए है, वेयर हाउस तो अभी तक हमने अनलॉक करा नहीं है। देन यहाँ पे हम एक कैश काउंटर भी बाय कर सकते हैं लेवल 15 पे। वाओ ओके, काफ़ी सारी चीज़ें है गाइज, लेवल 35 का ही क्या है, ह्यूज पर्सनल शेल्फ। आई थिंक इसके अंदर हम लोग काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं एक साथ। ये ऑटो सेंड का बहुत बड़ा मशीन है। ओके बट अभी के लिए मेरे को ये एक और, मैंने दो ऑलरेडी बाय कर लिए है, ये कार्ड टेबल एक और बाय कर लूँ मैं। आई एम सो कन्फ्यूज गाइज, या ये का ओके ये वाले भी कुछ बाय करते हैं, ठीक है 200 में आ जाएंगे दो। और एक टेबल भी चाहिए मेरे को, तो मैंने काफ़ी सारे पैसे स्पेंड कर दिए। लेट्स सी, सबसे पहले यहाँ पे ये क्या चीज़ है, R2 ओपन, अबे ओपन हो जा। ओके ओपन हो गया, तो ये नॉर्मल शेल्फ है, मतलब जाली वाला, तो इसको यहाँ पे, यार इधर फिट क्यों नहीं होता ना मेरे को समझ में ही नहीं आता। सबसे पहले काम करते हैं, इसको बीच में लगाता हूँ। सबसे पहले मेरे को बड़े शेल्फ लगाने दो, या ये आएगा बड़ा शेल्फ, इसको ओपन करते, ओपन हो जा, यस यहाँ पे नाइस। तो सबसे पहले बड़े वाले शेल्फ लगाते, मैंने आई गेस 3 ऑर्डर करे थे। लेट्स गो टेक बॉक्स, R2 ओपन, अरे ये तो ये प्लेइंग टेबल है, यहाँ पे आ जाएगा ये बीच में। सही है, और यहाँ पे दो लोग बास मार रहे हैं, तुम्हारी भैंस की लकड़ी। ओके सारे ठीक हो गए, नाइस। ये मशीन इसके अंदर खत्म हो गया, एक सेकंड गाइस मेरे को देखना था कि उसके अंदर का सामान खत्म हो गया सेंट। ओके एक ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, दैट्स वाई गेस ये काम नहीं कर रहा। देखते हैं, मैं फिर एक और ऑर्डर कर दूंगा वो, बट मेरे को एक और बॉक्स चाहिए, ये रहा एक और बॉक्स। ये तो यार नॉर्मल अपना जाली वाला है, तो अभी ये कहाँ पे लगा है यार। ओके यहाँ पे फिट हो, नहीं ये नहीं फिट होगा मुझे लग रहा है ना, इसको यहाँ पे, ओके हाँ यहाँ पे लगाता हूँ मैं, ठीक है ओके फिट हो जाएगा एक, एंड एक और इसके साइड में इधर फिट हो जाएगा। लोगों को आने में प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, आई गेस प्रॉब्लम होगा, तो एक यहाँ पे रहेगा, एंड एक मैं टेम्प्रेरी इधर लगा देता हूँ इस, ठीक है। मुझे आई गेस ये जाली वाले नहीं ऑर्डर करने चाहिए थे, बट इट्स ऑल राइट, ये मैंने यहाँ पे लगा दिए। अभी बाहर आई गेस एक और पड़ा है, ओके एक और ये बड़ा वाला शेल्फ है, हाँ ये वाला बड़ा शेल्फ इसके साइड में यहाँ पे आएगा। सो नाइस, अभी देखो काफ़ी बड़ा स्पेस नया अनलॉक हो चुका है, यहाँ पे हम लोग अभी बहुत सारे कार्ड्स रखवाएंगे। एंड ये प्लीज़ थोड़ा फास्ट काम कर भाई, प्लीज़ मेरे भाई। बट ठीक है गाइज, लेट्स गो, इट्स ऑल राइट, काफ़ी सारा सामान आ गया। अभी मेरे पास कुछ कार्ड्स पड़े, अभी सबसे पहले मैं कार्ड्स रखना यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। मेरे पास कुछ पहले से ये पड़े थे ब्लू वाले, अभी मैं एक शेल्फ के अंदर एक ही सामान रख, अभी इसके अंदर और भी है क्या, ओके और भी है ओके ठीक है, बट इसको फिर
एक आइटम ना ऐसा एक शेल्फ के अंदर एक ही रखूंगा मैं। देखो यहाँ पे भी कुछ कार्ड से इनको यहाँ से निकालता हूँ मैं, एंड एक पूरा रो ऐसा फुल रहेगा, एक शेल्फ के अंदर पूरा एक ही आइटम रहेगा, ठीक है। हाँ ऐसा ही हम लोग करेंगे अभी। फिर एक और है मेरे पास, ये इसके अंदर सेंट्स है, स्प्रेज है, तो इसको ना जाली के अंदर लगाते हैं, मतलब ये जाली जो भी बोलते इस चीज़ को, जाली शेल्फ, तो यहाँ पे सेंट्स रहेंगे, ठीक है। देर अभी मेरे को ऑर्डर करना पड़ेगा सामान, तो अभी यहाँ पे आते हैं एंड दबा के सामान ऑर्डर करते हैं। वैसे भी अपना अभी लेवल 14 15 होने वाला अनलॉक, बट ये वाले मेरे को चाहिए कार्ड्स बहुत सारे, तो मैं $400 के ऑर्डर करूँगा, ठीक है, ऐड टू कार्ड करते हैं। देन उसके बाद ये वाले, ये भी मैं 3 से 4 बाय करूँगा, 4 ऐड टू कार्ड। देन ये वाले भी ऑर्डर करते हैं 2 इसके, ठीक है। फिर ये ब्लू वाले भी आएंगे क्योंकि इनकी भी डिमांड रहती है अच्छी खासी, तो ये भी हम लोग ऑर्डर करेंगे 2। तो टोटल कितने लगेंगे, $1700 लगेंगे। लेट्स ऑर्डर। तो मैंने सामान ऑर्डर कर दिया गाइस, है ना, अभी बारी है यहाँ पे सामान रखवाने की। सबसे पहले ये वाले कार्ड आएंगे, इसका ओके, इसका मैंने इधर रखवाया है, तो एक इधर जाएगा। यार जगह का प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है ना ये पूरा शेल्फ इसी के लिए मेरे को करना चाहिए। अभी के लिए काम करते हैं, टेम्पररी इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, लेट्स गो। तो इधर के सारे निकाल के ना मैं एक ही शेल्फ के अंदर कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे। हाँ ये वाला पूरा शेल्फ इस आइटम के लिए रहेगा। देन इधर भी कुछ बॉक्सेस पड़े, इसको भी निकालो, ये भी यहाँ पे जाएगा। एंड एक शेल्फ पूरा फुल हो गया। यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान नहीं रखवा सकते क्या भैंस की? इसके अंदर भी 2 ओके और पड़े, तो ये बॉक्स में ये भी फेंक देता हूँ। एंड 2-3 बंदे यहाँ पे और बास मार रहे हैं। भाई तुम लोग बास काहे मारते हो? नहा के आया करो यार खेलने में। यहाँ पे ये उसका हो जाएगा, नहीं तो उसके पास जाके स्प्रे करना पड़ेगा। सो हम लोगों ने जितना भी सामान ऑर्डर करा था गाइज, मैंने सारा का सारा सामान शेल्स के अंदर रखवा दिया है। अभी अपना शॉप दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, एंड अभी डे एंड करने का समय आ चुका है, और कुछ जो बॉक्सेस बचे थे, मतलब कुछ जो कार्ड्स बचे थे वो इन बॉक्सेस के अंदर है, उनको हम लोग बाद में रखवाएंगे। एंड ये वाला किस चीज़ का बॉक्स है? इसके अंदर ओके ये वाले, बट ये वाले तो भाई फुल हो गया है। नहीं यहाँ पे जगह है थोड़ा सा, ओके तो इधर आ जाएंगे ये, तो ये भी रखवा लेता हूँ मैं। लेट्स गो, परफेक्ट हो गया। तो अभी डे को एंड करते हैं यहाँ पे, लेट्स एंड द डे एंड देखते हैं। आज लगभग 9 कस्टमर डिससेटिस्फाइड है भैंस की, और आज रेवेन्यू $1400 का रेवेन्यू हुआ है भाई। लेट्स गो गाइस, इसका मतलब अभी हमारा बिजनेस बढ़िया रन हो रहा है। बस अभी मेरे को कार्ड्स ओपन करने हैं आज के दिन। सबसे पहले अपना दुकान ओपन करते हैं, बाकी अपने पास कार्ड्स तो लगभग हर एक टाइप के है। या वी हैव एवरीथिंग, बस फ्लशीज थोड़ी सी खत्म हो गई है, तो मैं थोड़ी सी गाइस फ्लशीज बाय करने की सोच रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे था ये, आई गेस माई डाई में नहीं स्टॉक ऑर्डर में। तो ये तो एक काम करते हैं, इसके 2 बॉक्सेस ऑर्डर करता हूँ मैं, और एक नई फ्लशी का लाइसेंस बाय करे। नानोमीटे नाम है इस चीज़ का, ओके ठीक है बाय करते हैं। बट यार मेरे पास ज़्यादा पैसे, ठीक है यार बाय कर ही देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो इसके भी 2 आएंगे, ठीक है, तो लगभग $800 फ्लशीज पे स्पेंड हो जाएंगे भैंस की। बट ये नई वाली फ्लशी है, और इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। आई गेस ये पूरा फिट हो जाएगा इसके अंदर, ओके हो गया, फिट हो गया। फिर अपने पास एक और नानोमी है, ये मैं लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी नानोमी। और इसका अभी तक मैंने प्राइस सेट करा नहीं, सबसे पहले प्राइस सेट करते हैं, नहीं तो लोग फोकट में इसको लेके चले जाएंगे। मार्केट प्राइस 15, ओके 15-25 प्राइस रहेगा इसका। लेट्स गो, मैंने प्राइस सेट कर दिया, इस बॉक्स को बाहर फेंक देते हैं। एंड एक और अपना ये नॉर्मल फ्लशी है, ये फ्लशी जाएगा कहाँ पे रखवाया था, ओके मैंने, हाँ इधर रखवाया था मैंने यहाँ पे, और कुछ इधर भी आएगा, ठीक है। लेट्स गो, इसके अंदर भी जगह है, परफेक्ट। एंड एक और बॉक्स है, $800 के मैंने फ्लशीज ऑर्डर करे थे, वैसे ये बिक जाएंगे तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। एंड देन और ओके यहाँ भी थोड़ी सी जगह है, नीचे आ जाएगा, ये हो गया। तो मैंने लगभग सारी की सारी फ्लशीज जितने भी ऑर्डर करी थी वो सारी रखवा दी। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर कार्ड्स, तो अभी आपको मैं सबसे पहले कार्ड दिखा देता हूँ। ये देखो $140 का मेरे को ऑफ का मेरा कार्ड मिला था, तो सबसे पहले कार्ड्स भी यहाँ पे रखवा देते हैं। 154 में बिक जाएगा वो राउंड नंबर करके, $64 का एक और मिला था, लेट्स गो 71 में बिक जाएगा। एंड ये बंदा बास मार रहा है वापस। अरे यार डीओ लगा के आया कर यार, वो आई गेस उसने कार्ड बाय भी कर लिया, तो इसको थोड़ा सा डीओ देना ही पड़ेगा। तेरी भैंस की, एक और आ गया। अभी कितने हो तुम लोग? इधर मैंने जितने भी कार्ड्स रखवाए थे इन लोगों ने सारे बाय कर लिए भाई, बहुत सही। मेरे पास और भी है, तो सबसे पहले कार्ड से रखवा देता हूँ मैं। वैसे ज़्यादा महंगे हैं नहीं, 27-30 के ही है, तो ठीक है इनको भी सेल पे लगाते हैं। एक और आ गया, देन अपने पास $12 का एक और पड़ा है। अभी तो भाई 10 के ही बचे पास मेरे पास कार्ड्स, और अभी इसके बाद हम लोग कुछ नए कार्ड्स भी ओपन करने वाले, ठीक है। या गाइस नाउ इट्स टाइम फॉर टू ओपन द कार्ड्स, तो इधर के कार्ड्स लेते हैं बचे हुए, लेट्स गो। आज के पहले कार्ड्स हम लोग ओपन करने वाले हैं, लेट्स सी क्या होता है। आधा $86 गाइस, बहुत ही बढ़िया किस्मत चल रही है आजकल, $86 का पहला ही कार्ड से कार्ड निकला, नाइस। तो टोटल इस कार्ड का वर्थ था $95 भाई,
लेट्स गो, $3.5 का कार्ड और $86 मिल गए, $15. गाइज मैं बोल रहा हूँ ना, आई एम लकी राइट नाउ, लेट्स गो. दो तो बढ़िया कार्ड मिले, दो मैंने जितने भी ओपन करे अभी फालतू मिलेंगे तो भी चल जाएगा. क्या फालतू ही था भाई ये पूरा का पूरा, ओनली $1.5 थे इसके अंदर. लेट्स गो 5, 8. अब यार बढ़िया मिल रहे अभी, लेट्स गो. ये भी ओपन हो गया ओनली, ओके $10 मिले टोटल ओवरऑल. एंड आधा एक, आधा दो, आधा आधा डेढ़ दो, या ठीक ठाक है, मतलब $5-6 यहाँ से मिल गए देने को. और कार्ड पैक है 6. मेरे को लेजेंडरी कार्ड्स ओपन करने यार गाइस, बट लेजेंडरी कार्ड्स के लिए ना अपना शॉप लेवल मेरे को बहुत एक्सटेंड करना पड़ेगा, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा. ओ $30, लेट्स गो भाई, अभी तो इजीली मिल रहा है. सही में ये इतना इजी है? लास्ट एपिसोड में तो भाई मतलब हालत खराब हो गई थी $50 का काइट फाइंड करने में. 20 का एक और मिल गया गाइस, लेट्स गो गाइस. ओके तो मैंने सारे कार्ड्स ले लिए, अभी इनको सेल पे भी लगाते हैं. मिल गए हमको कार्ड्स, सबसे पहले ये 84 का था ना ये, या 96 मिलेंगे मेरे को इसके 10% बढ़ा के पैसे. लेट्स गो, फिर ये $20 का, इसको भी हम लोग लगा देंगे 24. लेट्स गो, फिर ये $30 का, ये इधर आएगा, डन. 33 में बिक जाएगा, फिर ये $15 का है. मेरे को ना कहीं जल्दी से जल्दी यार लेवल अप करने का है, जैसे मेरा लेवल अप हो जाएगा ना हमको और भी महंगे फिर कार्ड्स में यहाँ पे ना बना के बेच पाऊंगा, मतलब हमको मिलेंगे. अगर लेजेंडरी कार्ड पैक ओपन कर दिया तो भाई उसमें से लेजेंडरी कार्ड्स ही मिलेंगे, अभी तो हमको ईपिक कार्ड्स मिल रहे. एक और है कार्ड $9 का, इसको भी लगा रहे थे यहाँ पे, डन. तो मैंने सारे कार्ड्स लगा दिए सेल पे वापस से, अभी लोग इनको खरीदना शुरू कर देंगे. कम ऑन उठा ले भाई, फेयर प्राइस आइट से. ओके फेयर प्राइस लग रही है उसको, और उसने ले भी लिया. थोड़ा सा यार, थोड़ा सा तेज कार्ड दे यार लोगों को. मैं थोड़ा सा एक काम कर, तू थोड़ा सा रेस्ट कर, मैं ही काम करता हूँ यहाँ पे. ये गधा कहीं का बहुत स्लो काम करता है गाइस, सो लेट्स मैं इनको हैंडल करता हूँ थोड़ी देर के लिए. 10 से 40 सेंट्स वापस देने, थैंक यू सो मच, वापस जरूर आना. इसने एक कार्ड लिया है, $33 हो गया. ओके $60 वापस देने, डन. एक और कस्टमर, ओके इसने भी कुछ कार्ड्स लिए. यार ज़्यादा कार्ड्स लो यार, मैंने तो सुना था यार लोग बहुत सारे कार्ड्स बाय करते हैं, इसको गुड प्राइस मिला. और ये फ्लशेस वगैरह भी कोई बाय नहीं कर रहा. ओके ओके इसने बाय करी है, बट दूसरी वाली फ्लश भी यार बाय करो बढ़िया, $70 यहाँ से मिल गए. सो या वी आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, हमको अच्छे खासे पैसे मिल रहे. और एक बार मैं पे बिल्स देखता हूँ, पे बिल क्या चल रहा है अभी. मेरे को $208 का पेमेंट करने का है, बिल पेमेंट. मैंने वैसे ऑफ कैमरा कुछ कर दिए थे तो ये भी पे कर देता हूँ मैं, ठीक है लेट्स गो. तो ये भी मैंने पे कर दिया. ये गधा कहीं गया, किसी भी काम का नहीं है. ओके इसको क्या बोल, ओके चीप बोल रही है, ओके अच्छी बात है. ओके तीन ही बाई करे, क्यों यार थोड़े से एक्स्ट्रा ले लो यार, भला हो जाएगा मेरा. ओके डन. और मुझे ये देखना है क्या मैं यहाँ पे और टेबल्स लगा सकता हूँ. मुझे लग रहा है गाइस मुझे इस चीज़ को ना यहाँ से हटाना चाहिए, इसको ना मैं दरवाजे पे कहा, ओके यहाँ पे लगा देता हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है लोग आ पाएंगे. एंड देन ये टेबल को मेरे को आई गेस यहाँ से ना उठाना चाहिए, और ऐसा सीधा लाइन में लगाऊं मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ना ये वर्थ इट नहीं है जगह का. ऐसा मैं ऐसे लगा दूं क्या? आई गेस अभी तो मेरे को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अभी फिर ये लोग उठ के चले जाएंगे यहाँ से. मुझे लग रहा है ऐसा सीधा लाइन में टेबल्स मेरे को लगाने चाहिए, फिर उससे ना बढ़िया स्पेस का यूज़ होएगा. देखते क्या होता है. इसने भी कुछ कार्ड्स लिए, इसको भेज देता हूँ मैं $3 वापस देने, $3.40 डन. और अभी कुछ और कार्ड्स ओपन करते हैं, ठीक है. वैसे भी अपना लेवल 15 थोड़ी देर में होने ही वाला है, तो लेवल 15 होने के बाद मैं एक और लेवल के कार्ड बाय कर पाऊंगा, जो कि 64 का पैक. अभी 34 का आ रहा है तो 64 का पैक है. वैसे उसमें ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं 64 के और 32 के पैक में, वही सेम कार्ड्स आते हैं. बट ठीक है, लेट्स सी क्या अपनी किस्मत चमकती है कि यहाँ पे. और एक बंदा देखो वहाँ पे बास मार रहा है, उसका मेरे को कुछ करना पड़ेगा. मुझे लग रहा है ना वो जो स्प्रे छिड़कने का मशीन है ना, मेरे को आई गेस 2-3 और बाय करने चाहिए, अपने शॉप के हर एक कोने में हम लोग लगाएंगे. देखते क्या होता है अभी यहाँ से. सारे आधे आधे डॉलर की, क्यों आधे आधे क्यों भाई, कम ऑन. आधा एक चार, ओके 1.84. मेरे को सबसे अब तक हाईएस्ट कार $500 का मिला है, उसके ऊपर अभी तक एक भी नहीं गया है. और मेरे को ऐसा फील आ रहा है, जैसा अंदर से ऐसा फील आ रहा है कि एक $500 का कार्ड आएगा गाइस. देखो अभी आने वाला है, जस्ट अभी आएगा, देखो अभी आ गया, आएगा ये वाले कार्ड में जरूर आएगा गाइस. देखो देखो आ गया, आएगा अभी तो डेफिनेटली आएगा. ओके अंधेरा हो गया गाइस, मे बी कल आएगा, ठीक है. और अभी ये अपना बंदा तो बाहर गया, अभी मेरे को यहाँ पे लोगों को सर्व करना पड़ेगा. तो ठीक है इसको सर्व करते हैं, $18 वापस देने, 5, 3, 18 और 10 सेंट, थैंक यू सो मच. ओके $131 मिल गए. इसने भी ईपी कार्ड्स परचेस करे,
$40, let's go. ओह फाइनली किसी ने तो भाई फ्लशी बाय करी, वो $30 की एक फ्लशी है. रिस्टॉकिंग का काम कर चल. शुड आई ऑल्सो फिल अप सेल्फ विथ नो लेबल? यस, वो भी सेल्फ फिल कर दे. तो भी कहे देखते कैसा काम करता है. एक तो बहुत स्लो काम करता है. अभी ये यही वाला बॉक्स उठाएगा कैसे? ओके इधर वाला बॉक्स उठ रहा है. इसके अंदर क्या है? ओके हाँ ये वाले कार्ड. ओके आई गेस इधर रखवाएगा. अभी ये एक ही रखवाएगा क्या? आई गेस एक ही रख. थोड़ा सा फास्ट कर दे यार मुझे लग. ओके ठीक है उसने जो रखवाया ना अभी इसकी किस्मत आजमाते हैं गाइस. देखते हैं क्या ये लकी है. अभी इसने जो बॉक्स रखवाया था ना हम लोग उसी को ओपन करेंगे. $4 ओके ठीक ठाक है. $2 ओके ओवरऑल हमको $9 के कार्ड्स मिल गए. बढ़िया मतलब बढ़िया. $1 आधा आधा डेढ़ आधा डेढ़ के आगे तो भाई कुछ भी नहीं जा रहा है. नेक्स्ट कार्ड आधा आठ. ओ आठ नाइस नाइस. फोर्ट भाई ये तो लकी बंदा है भाई साहब. गाइस ये तो सीरियसली लकी है भाई. $40 का कार्ड मिला मतलब जो उसने वहां पे रखवाया था हमने वही उठाया. नाइस गाइस नाइस 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 लेट्स गो. $40 का कार्ड मिल गया भाई साहब. ओके तीन ओके $4 मिल गया और भाई बहुत सही. ओके ये बकवास था बट भाई $40 का मिल गया मतलब ठीक ठाक है. एक और कार्ड बचता है. अभी मेरे पास जो भी कार्ड्स आए हैं ना मैं उनको वापस सेल पे लगाएगा क्योंकि कार्ड्स भी बेचने भाई मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए. कम ऑन आधा आधा एक ओनली आधा आधा एक ही मिला और आई गेस एक और का एक और कार्ड है. लेट्स सी 20 भाई साहब. ओके मूमॉग नाम है इस कार्ड का. नाइस $7 भाई सीरियसली. फिर यार ये तो लकी है उसने जो कार्ड पैक उठाया था मैंने वही खोला एंड वी गॉट मनी. अभी यहाँ पे कस्टमर्स आए सबसे पहले इनको सर्व कर देता हूँ. इसके मेरे कार्ड्स लिए हैं. ओके लगभग $137 का बिल हुआ है. $12.60 थैंक यू सो मच. एक और कस्टमर है इसने कुछ दो लिए हैं. ओके $98 थैंक यू सो मच. एक और कस्टमर है एंड आई गेस नो बच चुके हैं. ओ इसने बहुत सारे लिए कार्ड्स. नाइस 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 ऐसे कस्टमर्स आने चाहिए भाई. तो इसका बिल होता है भाई $34 वापस देने वेरी भैंस की. ये ले $34.80 डन हो गया फाइनली. तो अभी सारे यू नो कस्टमर्स को मैंने सर्व कर दिया. अभी अपना दुकान बंद हो चुका है बट फिर भी यहाँ पे लोग खेल रहे हैं. किसके साथ खेल रहा है भाई? किसके साथ खेल रहा है तू? ओके बट आई गेस यहाँ से चले जाएंगे अभी कुछ भाई. अभी दुकान बंद हो चुका है निकलो भी यहाँ से. इसके अंदर का ओके अभी भी सेंट बचा है इसके अंदर. ठीक है ये आखिरी कस्टमर है इसको सर्व करते. दो कार्ड्स लिए इसने $6 का कवर लिया वो भी कार्ड का. ठीक है और अभी डे को फिनिश करते हैं. सो अपना डे फिनिश हो चुका है. लेट्स गो आज का अर्निंग $1800 का है गाइज. लेट्स गो मतलब यार अच्छे खासे पैसे भी हम अर्न कर रहे हैं. टेबल से भी अभी हमको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं. सो नेक्स्ट डे अभी सबसे पहले यहाँ पे कार्ड्स लगाते हैं. मेरे को जो कार्ड्स मिले थे सुबह होने के बाद $42 का कार्ड. ये वाला कार्ड मेरे को यार सबसे बढ़िया लगा. ठीक है काफ़ी यूनिक कार्ड है. फिर $20 का एक और मिला था हमको. यहाँ पे भी इसका प्राइस बढ़ा के लगाते हैं. 20 से में बिक जाएगा. फिर ये $10 का एक और कार्ड है. ये इधर आएगा. 10 राउंड नंबर हो गया. देन $9 का एक और कार्ड है. $10 में बिक जाएगा ये. अरे एक सेकेंड राउंड नंबर ओके डन. तो मैंने कार्ड वापस सेल पे लगा दिया. अभी तीन की और जगह है तो और तीन लगाते. दुकान होने से पहले मेरे को ना सारे कार्ड सेल पे लगाने चाहिए हर बार. इसका भी यहाँ पे राउंड नंबर आएगा डन. एक और कार्ड आएगा $9 का. यहाँ पे इसका प्राइस डालना पड़ेगा डन. तो एक बार अगर किसी कार्ड का प्राइस डाल दिया तो मेरे को वापस डालना नहीं पड़ता अगर वही कैटेगरी का कार्ड है तो. ओके एंड अभी लोग वापस आना शुरू हो जाएंगे. तो आ गया तो आज कैश रजिस्टर मेन काउंटर हायर कर. ठीक है हैंडल कर. अभी अपना वैसे लेवल 15 होने वाला है. कुछ और कार्ड्स ओपन करते हैं. ठीक है इधर से कुछ कार्ड्स ले लेता हूँ मैं. इपिक कार्ड्स उठाएंगे हम लोग डन. लेट्स ओपन देम देखते क्या होता है. आधा डॉलर आधा 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 दो दो ढाई तीन साढ़े तीन. ठीक है लेट्स गो. $10 ओवरऑल हुआ है. और मेरे को ना गाइस अभी वर्कशॉप वर्क बेंच पे आई गेस और कार्ड्स का मतलब जो अपने छोटे छोटे कार्ड्स हैं उनको आई गेस बॉक्स करके वो भी बेचना मेरे को मांगता है. यहाँ पे उनको भी बेचना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कार्ड तो काफ़ी सारे वैल्यूएबल है. बट ये आधे एक डॉलर के कार्ड भाई कोई लेता तो है नहीं तो उनका बॉक्स बना के बेचना पड़ेगा. आधा 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 एक भी नहीं मिला सारे आधा और वो भी 40 के नीचे वाले थे भैंस की.
ओके आधा डेढ़, ओके छः डेढ़ चार। क्या बकवास है यार, ये इपिक कार्ड पैक है यार, सीरियसली इपिक कार्ड सही है। और अभी इसे इपिक कार्ड से याद आया, अभी ना मैं अपने वर्क बेंच पे इपिक कार्ड वाला बॉक्स बनाऊंगा, क्योंकि अभी उसके मेरे पास काफ़ी सारे कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है, तो वही करने वाला हूँ। $5 का भी एक मिला, लेट्स गो। आधा आधा आधा, डन, लगभग $3-3.5 मिल गए। तो अभी अपने वर्क बेंच पे अभी मैं इपिक कार्ड्स गाइस बनाने वाला हूँ, ठीक है, इपिक का एक बंडल बनाते हैं। अरे अभी भी नॉट इनफ बोल रही है, कैसे रे, रेयर का बनेगा फिर, रेयर का भी नहीं बनेगा यार, दिस इज नॉट फेयर, फिर एनी रेयरिटी का भाई बना दो, नॉट इनफ कार्ड्स टू मेक अ बंडल, अरे एनी कार्ड चलेगा। ओके अभी यहाँ से रे इपिक का आएगा, ओके आएगा, ओके ओके, मैंने गाइस मैंने ये अलग ऊपर कार्ड एक्सपेंशन मैंने अलग कलर का सेलेक्ट करके रखा था। इसका प्राइस कितना रहेगा, इसको अभी मैं सेल पर लगाऊंगा अभी, ओके यहाँ पे जगह है, उतना ही प्राइस रहेगा क्या, ठीक है 14 में बिक जाएगा। मैंने यहाँ पे ना ये बेस मैंने एक गोस्ट ये सेलेक्ट करके रखा था, दैट्स फनी हो रहा था। ओके फिर ये डेस्टिनी कर दिया, तो यहाँ पे ओके इसके भी कार्ड्स नहीं मेरे पास, ठीक है, तो बेस कार्ड्स ही अपने पास, लेट्स सी इपिक में अभी और एक बंडल बनेगा। वैसे सारे 13 में ही बिकते, फिर यार उसका फ़ायदा क्या, भैंस की लकड़ी उतना ही प्राइस में सारे बिक रहे हैं। 14 अभी मैं रेयर का बनाता हूँ एक, ठीक है रेयर का देखते हैं, आई गेस वही प्राइस रहेगा, लेट्स सी उतनी प्राइस में बिकेगा नहीं, उसी में बिकेगा, फिर यार उसमें डिफरेंस क्या है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसका ये मैं ये कलर वगैरह बॉक्स का सिलेक्ट नहीं कर सकता क्या अपने हिसाब से, आई डोंट नो, बट यही सीन है, तो और थोड़े से बनाते हैं। अभी ये बंडल मैं कहाँ पे रखवाऊँ, जगह तो यहाँ पे है ही नहीं, अरे यार अभी इसको रखनवाने के लिए अभी कहाँ पे जगह है, प्लीज़ बस एक फिट कर लो तुम लोग, क्या मैं बॉक्स के अंदर रख सकता हूँ सीधा बाहर, कचरे के अंदर नहीं फेंकना था, गलती से मैंने भाई मेरा $14 का नुकसान हो गया, मेरे को वापस मिलेगा क्या ये, गाइज मैंने गलती से उसको कचरे में ही फेंक दिया, क्योंकि यार पे ना जगह नहीं था, बट ठीक है कोई नहीं, अभी मुझे लग रहा है मेरे पास अभी पैसे है तो कुछ और नए शेल्स ऑर्डर करते, ठीक है, ताकि जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो यहाँ पे एक्सेसरीज में आते हैं, एक्सेसरीज में वैसे यहाँ पे ना और भी चीज़ें हैं, ये कार्ड्स ले फायर 40 गाइज, बट इसका $800 का लाइसेंस है, मतलब ये सारे के सारे कवर्स ही है, बट ये काफ़ी कूल कवर है ये, नहीं मुझे इसका लाइसेंस तो नहीं बाय करना चाहिए, मैं खामों का पैसे नहीं स्पेंड करने वाला। फिर यहाँ पे बूस्टर एक्सेसरीज और नया आइटम क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पे काफ़ी सारे नए आइटम्स वैसे मैंने देखे थे, हाँ ये यहाँ पे, ये इधर क्या है भाई, या आई गेस इसका प्राइस है, ये कब सस्ता रहता है और कब महंगा रहता है, ओके समझ गया मैं, तो अब इस चीज़ का प्राइस बढ़ा हुआ है, तो जिसका प्राइस घटा हुआ है ना, तो मेरे को आई गेस वो बाय करना चाहिए, ओके आई गॉट इट, तो अभी इस चीज़ का प्राइस घटा है, बेसिक कार्ड पैक इसका मतलब 25 के आसपास रहता है, तो इसको अभी मैं बाय कर सकता हूँ। आई गॉट इट गाइज, आई गॉट इट, तो हमको ये शो करता है वो किस चीज़ का प्राइस बढ़ा है और किस चीज़ का प्राइस घटा है, तो जब भी प्राइस घटेगा मैं चीज़ें यहाँ पे ऑर्डर कर सकता हूँ। फ्लशेस का प्राइस वैसे नॉर्मली चल रहा है, ये वाली फ्लशी ओके काफ़ी स्लो चल रहा है, सस्ता चल रहा है प्राइस इसका, बट इसका एक्सेस नहीं है मेरे पास, तो मैं तो बाय नहीं करने वाला अभी के लिए, नॉर्मल हम लोग ना टेबल ही ऑर्डर करेंगे जो मेरे को चाहिए शेल्फ अपने। सो यहाँ पे कुछ शेल्फ ऑर्डर करते हैं, डबल साइडेड नहीं, मेरे को नॉर्मली चाहिए, दो आ जाएंगे, यहाँ दो का स्पेस अपने पास पड़ा है, तो हम लोग दो यहाँ पे शेल्फ रखवा देंगे, लेट्स गो, इसको इसके पीछे लगाते हैं, हाँ अभी दिखने में भी मस्त लगेगा और दोनों एक के एक दूसरे के पीछे रहेंगे, परफेक्ट, ये इसके साइड में, और मेरे पास जो एक और पड़ा है अभी इसको मैं यहाँ पे तो लगा ओके सकता हूँ मैं, वैसे लगा सकता हूँ मैं, बट ये दरवाजे में आ रहा है यार, नहीं अच्छा नहीं लगेगा, ओके इधर फिट हो जाएगा, ओके हाँ यहाँ पे ओके फिट हो रहा है, नाइस, तो अभी यहाँ पे कई जगह और होगी, लेट्स गो, बहुत बढ़िया, तो इसके ऊपर अभी हम लोग सामान और रखवा सकते हैं। मेरे को भी यार वर्कर चाहिए सीरियसली, आई नीड मोर वर्कर्स, और अपना लेवल 15 हो गया गाइस, लेट्स गो लेवल 15 हो गया, इसका मतलब अभी मैं ओके मेरे को इसका लाइसेंस मिल जाएगा 64 का, बट ये मतलब 32 का पैक और 62, इसमें डिफरेंस क्या होता है, आई डोंट नो, मतलब सेम ही तो है, क्या मुझे बाय करना चाहिए, खामा क्या यार $900 के ऊपर स्पेंड हो जाएंगे, बट ठीक है यार बाय कर ही लेते हैं, मतलब देखते हैं क्या कोई डिफरेंस है कि नहीं इसके अंदर, अगर रे मैंने बाय कराए तो ठीक है, ऐड टू कार्ट एक मैं ऑर्डर कर देता हूँ, 64 का पैक है ये, 32 आई डोंट थिंक सो इसमें कोई डिफरेंस है, बट अभी 62 का है तो भाई ये पूरा आई गेस इधर आएगा, ठीक है 32 ये इधर आएगा एंड उसके नीचे ये आएगा, और अभी इसको ओपन करके देते हैं, क्या पता भाई इसमें मेरी किस्मत चमक जाए,
बट कार्ड तो ओके अलग कार्ड से आई थिंक ये गीगा बास मेरे को पहली बार कार्ड दिखा है। ये ऐसा होता है क्या? मतलब मेरे को तो लगा 34 और 64 का, बट पैक तो सेम ही है ना। बट नए कार्ड्स दिख रहे हैं गाइस, ठीक है, एक बढ़िया कार्ड मिला हमको, अच्छी बात है, दैट्स वर्थ इट। मतलब $900 का, मेरे को तो लगा तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे मेरे, बट आधा 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 $3 आधा आधा आधा, ओके ठीक ठाक है। देन नेक्स्ट कार्ड, इसको ओपन करके आधा एक आधा डेढ़ आधा 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 आधा, आधे के आगे भाई कुछ भी नहीं हो रहा, बट एक्सपी मिल रही है आधा, ओके छः भाई सर, $500 का कार्ड मुँह पे फेंक के मारो मेरे प्लीज। मेरे को भाई लिटरली अपने बेसिक कार्ड पैक से वो 500 का कार्ड मिला था, और ये तो भाई मैं इपिक रेयर कार्ड्स ओपन कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है ना मुझे बीच बीच में इपिक वाले भी, रेयर वाले, बेस वाले भी कार्ड्स ओपन करने चाहिए, करते रहने चाहिए, क्या पता मिल जाए। अब इसके बाद ना गाइस मैं वो ब्लू वाले कार्ड्स ओपन करने वाला, ठीक है, क्या पता भाई उससे कुछ मिल ही जाए। लेट्स सी, इससे को कुछ वो मिला नहीं अभी ब्लू वाले कार्ड्स, ठीक है, या ये वाले कार्ड्स हो गाइस अभी इनकी बारी है, ठीक है, अपने बेस कार्ड से ये, लेट्स सी कॉमन कार्ड से अपने आधा एक आधा। कॉमन कार्ड तो भाई मतलब अब वो आधा भी नहीं मिलता उसमें 0.08 या 0.03 ऐसे डॉलर्स वाले कार्ड्स मिलते हैं, वो एक पांच का भी मिल गया, वैसे ठीक है, लेट्स गो, $5 का कार्ड मिल गया। देन आधा 0.5 0.4 0.10 0.12 व्हाट गाइज, मैंने गाइज बोला था ना गाइज, भाई ये कॉमन कार्ड में से मेरे को $100 का आज का सबसे बड़ा कार्ड मिला है। व्हाट द गाइज, मैं बोल रहा हूँ ना, ये बीच बीच में ना मेरे को अलग अलग कार्ड ट्राई करते रहने चाहिए, $100 का कार्ड बेस कार्ड पे से मिला है मेरे को, ओके कॉमन कार्ड में से, भाई साहब लेट्स गो, एक और है लेट्स गो, आधा आधा आधा, मतलब अचानक से 0.8 पॉइंट और अचानक से 100 108 चला गया वो, भाई बहुत सही है ये, ठीक है। यहाँ पे भी ओके वही से मिल रहे हैं आधा दे, ठीक है, बट एटलीस्ट वी गॉट 100 आज का एपिसोड में, तो एटलीस्ट $100 का कार्ड, भाई आई एम हैप्पी गाइस, $100 प्लस का कार्ड मिल गया एक, लेट्स गो। सो हो गया एक, ओके एक और बच्चा है, दैट्स व्हाई ना हर एक रेयरिटी के कार्ड ओपन करते रहने चाहिए हर रोज। ये हो गया, तो और मेरे को लाइट ऑन करना पड़ेगा, काफ़ी अंदर हो गया है, यहाँ पे कस्टमर्स, ओके कस्टमर्स को सर्व कर रहा है, बट ठीक है गाइज, वी गॉट $100 कार्ड। सबसे पहले इस कार्ड को यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, $160 का कार्ड है इसका, हम लोग 10% प्राइस बढ़ा देंगे, 118 में बिक जाएगा। देन $12 का भी कार्ड मिला था, इसको भी सेल पे लगाते हैं, और ये सारे नए कार्ड्स हैं, सो यह बहुत बढ़िया। फिर एक और कार्ड है $9 का, इसको भी यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, 10 में बिक जाएगा, सो डन। तो मैंने सारे कार्ड्स वापस सेल पे लगा दिए, आज का दिन यहाँ पे खत्म ऑलमोस्ट होने वाला है। सो गाइज मैं भी आज के एपिसोड को हम लोग फिर यही पे एंड करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग अपने शॉप को और एक्सपांड करेंगे, और भी जो नए रेयरिटी वाले कार्ड्स हैं उनको ओपन करेंगे। अभी मेरे को जो नेक्स्ट रेयरिटी चाहिए ये लेजेंडरी कार्ड्स, उसके लेवल 20 चाहिए, तो ऑफ कैमरा मैं कुछ खेलूंगा, वहाँ से कुछ लेवल्स अनलॉक हो जाएंगे, फिर हम लोग लेजेंडरी कार्ड्स नेक्स्ट एपिसोड में ओपन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, आई होप कोई पसंद आया होगा, अगर आपको कुछ सजेशन है नीचे कमेंट से बता दो, एंड फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय गाइस।